<coughs> चलो चलो हेलो <Okay>. एवरीवन, okay. <coughs> बस एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं yes, आ रही है ठीक है चलो बाकी सब कहा है विश्वजीत नहीं है खाली और अरविंद आप नए हैं नए स्टूडेंट यस yes, सर ओके ओके ठीक है बाकी कौन है विश्वजीत अंशिका अभी कोई नहीं आया चलो ठीक है हम लोग शुरू करते ना आज का जो टॉपिक है क्या है वेस्ट मैनेजमेंट वाला है ठीक है तुम लोग वेस्ट मैनेजमेंट आप ये समझो कि एक तरीके से हम लोगों ने वेस्ट मैनेजमेंट दो चैप्टर आप लोग के चैप्टर बुक में हम लोगों ने क्या किया उस पूरे को दोनों चैप्टर को एक ही यूनिट में कर दिया है ना क्योंकि आपको पता है इसका एक अलग से यूनिट में क्वेश्चन आएगा आप अगर प्रिपेयर कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा ठीक है तो हम लोग शुरू करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है चलिए देखो वेस्ट मैनेजमेंट ये समझो वेस्ट क्या है एवरीथिंग जो आपके चारों तरफ है वो कभी ना कभी क्या होने वाला है वेस्ट होने वाला है ठीक है अगर आपके पास अगर आपके हाथ में अगर आप समझो आपके हाथ में फोन है तो आने वाले चार पांच साल बाद क्या हो जाएगा वो वेस्ट हो जाएगा आपके पास अगर कोई कपड़ा है तो वो कुछ सालों बाद क्या होगा कुछ महीनों बाद वेस्ट हो जाएगा तो वेस्ट मैनेजमेंट क्या है आप उस वेस्ट को कैसे मैनेज कर रहे हो मैनेजमेंट का मतलब ही सिंपल ये क्या है कि आप उसको कैसे कर रहे हो कैसे उसको एक तरीके सही से डिस्पोज कर रहे हो ठीक है ऐसा ना हो कि वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करे तो वही वो चैप्टर क्या है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है ठीक है चलो द टर्म वेस्ट रिफर्स टू एनी मटीरियल दैट इज डिस्कार्डेड ठीक वो मटीरियल जो डिस्कार्डेड है जो आगे चल के अभी क्या हो अब हम यूज नहीं करने वाले हैं ठीक है दैट इज कॉल्ड क्या दैट इज कॉल्ड वेस्ट अब आप ये समझो क्या कि हम लोग क्या कर रहे हैं हम इस वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे बस इस चैप्टर में वही है और इतना याद रखना इस चैप्टर को वैसे एज अ चैप्टर याद करोगे पढ़ने की कोशिश करोगे तो क्या लगेगा आपको बहुत बहुत हेक्टिक है या बहुत सारी चीजें हैं बट इसको अपने आप में अपने आप के चारों तरफ सराउंडिंग से अगर इसको कंपेयर करोगे तो बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा ठीक है अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ वेस्ट सोर्सेज ऑफ वेस्ट का मतलब ये समझो कि भाई कहां से आपको वेस्ट मिल रहा है ठीक है पहला वेस्ट सबसे ज्यादा मिलता है कहां डोमेस्टिक वेस्ट डोमेस्टिक वेस्ट मतलब क्या है जो वेस्ट हमारे घरों में ठीक है जो हमारे घरों में मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं डोमेस्टिक वेस्ट बोलते हैं चाहे वो लेफ्ट ओवर फ्रूट्स हो ठीक है आप ये समझो लेफ्ट ओवर फ्रूट्स हो डोमेस्टिक वेस्ट में क्या था है फूड जो आपका खाना बच जाता है ठीक है वो क्या होगा वो डोमेस्टिक वेस्ट होगा ठीक फ्रूट्स हो गए वेजिटेबल्स हो गए आपके घर में जो पैकेट्स होते हैं आप एल्यूमिनियम एल्युमिनियम कैन आपने कोल्ड ड्रिंक पी या कुछ भी किया एल्युमिनियम कैन का इनफैक्ट आपने क्या किया एल्युमिनियम फॉइल का भी इस्तेमाल किया एल्युमिनियम फॉइल का क्या होगा कि कि आप ये समझो यूज करने के बाद आप क्या करते हो फेंक देते हो तो वो भी क्या है एक डोमेस्टिक वेस्ट है ठीक है तो यही है आपका क्या डोमेस्टिक वेस्ट अगर कभी भी पूछा जाए डोमेस्टिक वेस्ट क्या होता है तो आप ये समझो कि ये हर वो वेस्ट होगा जो आपके डोमेस्टिकली होम में प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है चलिए फिर आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट अभी हम लोग खाली टाइप ऑफ वेस्ट देखते हैं कुछ ठीक इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है ये वो वेस्ट होता है जो आप देखते हो इंडस्ट्रीज में क्रिएट होता है और आप समझ लो अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में ही जो चीज आपके सामने है कोई भी चीज आप जो भी बोल लो मतलब किसी का भी नाम ले लो इफ एंड बट अगर तो वो कहीं ना कहीं जाके वेस्ट होना ही होना है ठीक है तो आप ये समझो जो वेस्ट आपका इंडस्ट्रीज में मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं आप इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हो कुछ उसमें क्या होते हैं टॉक्सिक भी होते हैं बहुत ज्यादा ठीक है जिसका आप क्या करते हो आप ये समझो टॉक्सिक वेस्ट क्या होता है ये वो वेस्ट होते हैं जो क्या करेंगे

बट आपको ये भी पता है कि भाई सारी क्रॉप क्या होती है सारी क्रॉप हम यूज नहीं करते हैं कुछ क्रॉप क्या होती है वहीं पर रह जाती है या आप देखते हो कि बारिश होगी बारिश होगी तो क्या होगा आप देखते हो बारिश होगी तो आपकी जो फसल होगी वो वहीं पर सड़ जाती वो भी वेस्ट हो गया आप ये देखते हो कि आपने आप अभी जैसे रबी आप देख रहे हो कि अभी कट वो होगा वीट काटा जाएगा हार्वेस्टिंग होगी तो उसके बाद जो उसके स्टेपल्स बच जाएंगे वहीं पे आपके फील्ड पे तो क्या होगा वो भी आगे चल के क्या होगा वे भी वेस्ट है एक तरीके से उसका भी हम लोग क्या करते हैं वेस्ट कर देते हैं तो यही वो रेसिड्यू जो होता है ठीक है जैसे आप बोलते हो ना स्ट्रॉ हाउस वुड वेस्ट ये सब क्या है ये भी आपका एक तरीके का एग्रीकल्चरल वेस्ट ठीक है फिर आता है कमर्शियल वेस्ट वेस्ट फ्रॉम द कमर्शियल हाउसेज स्टोर्स गोडाउन हॉस्पिटल एंड ऑफिस वो वेस्ट होगा जो आप देख रहे हो ऑफिस में होता है ठीक है ऑफिस में आपको भी पता है कि आप ये समझो एक ऑफिस है तो ऑफिस में काम किसका होगा आपको पता है कि इनका होगा कंप्यूटर्स का होगा वो भी वेस्ट होंगे कभी ना कभी ठीक है पेपर्स डेली वेस्ट हो रहे होंगे पिंस 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 जो पेपर होती हैं स्टेपलर कुछ ना कुछ वेस्ट हो रहा होगा प्लास्टिक ठीक है अगर सब लोग आ रहे हो अगर ऑफिस में मान लो फाइव हंड्रेड लोग हैं पांच सौ लोग काम कर रहे हैं मान लीजिए तो पांच लोग दिन में खाना खा रहे होंगे खाना खा रहे होंगे किसी एल्यूमिनियम फॉइल में लेके आ रहे होंगे तो वो वेस्ट ठीक है मान लो टेप इस्तेमाल कर रहे हो टेप जो बच गया वो बच आपने फेंक दिया वेस्ट पेपर आपने यूज किया जो पेपर नहीं यूज हुआ फेंक दिया वो भी वेस्ट तो आप समझ रहे हो कि नहीं खाली एक ऑफिस जिसमें सिर्फ 500 लोग रह रहे हैं 500 लोग काम कर रहे हैं उसमें इतना वेस्ट हो रहा है तो ये वर्ल्ड जिसमें 8 बिलियन लोग रह रहे हैं आप सोचो 8 बिलियन से ज्यादा लोग रह रहे हैं उस वर्ल्ड में पूरी दुनिया में कितना वेस्ट हो रहा होगा डेली समझ रहे हैं तो ये क्या है ये है आपका कमर्शियल वेस्ट ठीक है फिर आता है कंस्ट्रक्शन वेस्ट आप देख रहे हो कुछ देखो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो चाहे घर का कर रहे हो चाहे बिल्डिंग का कर रहे हो ठीक है आपको पता है कि सारा चीज इस्तेमाल नहीं होने वाला ठीक है कुछ ना कुछ चीजें जो होंगी वो जो बचेंगी जरूर तो वो क्या है वो है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन वेस्ट ठीक है कंस्ट्रक्शन साइड पे आपको पता है कि देखिए सीमेंट का जितना इस्तेमाल आपकी दीवार में हो गया आपको पता है कुछ सीमेंट किनारे बाहर भी गिर जाएगा आपको पता है कि कुछ लकड़ियों का इस्तेमाल होता है बट बाद में क्या होता है वो लकड़ियां वेस्ट हो जाती हैं ठीक जो यूज हो सकती है वो यूज कर ली जाती बाकी क्या होता फेंक दी जाती इनको आप है तो जला दोगे या फिर कहीं पर फेंक दोगे तो वो भी क्या हो गया वो भी वेस्ट हो गया ठीक तो आप यह समझो फिर अच्छा एक और है डिमोलिशन डिमोलिशन आप लोग ने अभी रिसेंट सुना होगा कि अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा नोएडा में ट्विन टावर जो था वो गिरा दिया गया था ठीक है तो आप सोचिए उस, उसके डिमोलिशन पे कितना ज्यादा वेस्ट बना होगा है ना उस वो वेस्ट कितना बड़ा होगा तो वो भी एक क्या है वो भी आप क्या कह रहे हो वो भी एक तरीका कंस्ट्रक्शन वेस्ट ठीक है माइनिंग वेस्ट अब आपको भाई आपने तो अपना मस्त कोल निकाल लिया ठीक है कोल निकाल लिया आपने माइनिंग कर ली ठीक है आपने दूसरा काम क्या कर लिया आपने आयरन स्टील आयरन ओर निकाल लिया बट आपने माइनिंग करने के बाद क्या किया आपने माइनिंग करने के बाद आपने उस पूरे एरिया को पूरा खराब कर दिया ठीक है आप ये देख रहे हो वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग माइनिंग ऑपरेशन इवैक्यूएशन एग्जाम्पल कोल माइनिंग ठीक है अगर आप बात करो कोल माइनिंग की ठीक है यहाँ पे कॉल्ड होगा वैसे तो तो कोल माइनिंग क्या आप कोल माइनिंग हो या कोई भी आप मिनरल्स माइनिंग करोगे तो आप सिंपल ये समझो कि उसमें क्या होगा वेस्ट जनरेट जरूर होगा इनफैक्ट अगर आप कोल माइनिंग कर रहे हो तो आपको पता है आपकी ट्रक क्या होगी या जो जहां से वो पूरा कोल जाएगा उस पूरे रास्ते में वो क्या करेगा कोल डस्ट गिराते हुए जाएगा और तो जहां जहां कोल डस्ट गिराएगा वो उस एरिया की पूरी सॉइल क्या हो जाएगी खराब हो जाएगी खाली कोल का क्यों अगर आप बाकी कोई मिनरल ले रहे हो मिनरल्स भी तोड़ते हैं Middles क्या करेंगे आसपास की पूरी एरिया को क्या कर देंगे खराब कर देंगे फिर एक और वेस्ट आता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं और ये सबसे बड़ा वेस्ट है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं ई वेस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाला है आगे चल के उसका रीजन क्या है अब हम लोग क्या कर रहे हैं धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट होने की वजह से क्या हो रहा है कि भाई आपको पता है कि हर गाड़ियों में बैटरीज लग रही है ठीक है तो इसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत मिलने वाला है ई वेस्ट ठीक है इसमें आप देखोगे ई वेस्ट में खाली आपकी बैटरीज नहीं आएंगी मतलब बाकी टेलीविजन वॉशिंग मशीन सब कुछ आएगा बट ये समझ लो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होने वाला है आगे चल के सबसे बड़ा होगा अभी भी बहुत बड़ा है अभी बहुत बड़ा चंक है जो आप क्या देखोगे कि बहुत बड़ा चंक है जो ई वेस्ट का है ठीक है बट आगे चल के ये और बढ़ने वाला है क्यों क्योंकि तो हम लोग क्या बहुत फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ या हम लोग सोच रहे हैं ज्यादा ज्यादा डिजिटल हो जाए तो जब भाई जितना ज्यादा डिजिटल हो आपका डिजिटल वेस्ट भी तो उतना बनेगा

ठीक है ये क्या है ये कुछ कुछ केमिकल्स हैं जो टॉक्सिक वेस्ट हैं अब देखिए आर्सेनिक आर्सेनिक क्या होता है अगर आप लोग ने नहीं सुना होगा मतलब कि अगर समझिए आर्सेनिक क्या होता है पानी में बहुत पाया जाता है ठीक है पानी में जब आप पाएंगे तो आप देखोगे आर्सेनिक की वजह से बहुत सारे कैंसर होते हैं ठीक है तो ये क्या है ये भी एक तरीका है टॉक्सिक वेस्ट ठीक है तो आप ये समझ लो अब यहां तक समझ में आया आप लोगों को सुभा विश्वजीत अंशिका एंड अरविंद जी सर आ गया सर ओके ओके अंशिका चलो ठीक है फिर हम लोग आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं इंपैक्ट ऑफ वेस्ट वेस्ट अगर कहीं पे वेस्ट हो गया मतलब कि जमा हो गया तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा आप समझो स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप मान लो जैसे आपका एक जगह है ठीक है वहां पे आपने क्या किया आपने खूब सारा वेस्ट को हीप बना दिया एकदम पहाड़ों जैसा एकदम वेस्ट को क्या कर दिया यहां पे जमा करके रख दिया ये क्या करेगा इस पूरे लैंडस्केप को क्या कर देगा स्पॉइल कर देगा क्यों क्योंकि आपको पता है इसमें से क्या निकलने वाली है पोल्यूटिंग गैसेस निकलेंगे ठीक है गैसेस निकलेंगे जैसे कि मीथेन, ठीक है प्लस इस मान लो बारिश हो गई इसमें से जो पानी होगा वो पानी जाएगा और ये ग्राउंड वाटर में मिल जाएगा तो ये आपका वाटर पोल्यूशन भी करेगा समझ रहे हो कि नहीं तो सॉइल पोल्यूशन होगा वाटर पोल्यूशन होगा एयर पोल्यूशन होगा आप ये समझ रहे हो ठीक है तो क्या होगा लैंडस्केप का स्पॉइल ये हो जाएगा दूसरा पोल्यूशन होता है वो तो आपको ही पता अभी बताया ठीक है थीके? इसमें क्या होगा अनफेवरेबल मॉडिफिकेशन हो जाता है पोल्यूशन का सिंपल मतलब क्या है पोल्यूशन का सिंपल मतलब क्या है जो नेचुरल चीजें चली आ रही है उसमें कुछ चेंजेस हो जाए अनफेवरेबल जो हमारे लिए अच्छी नहीं है ठीक है अगर एयर हमेशा से अच्छी आ रही थी बट अब उसमें चेंजेस आ गए क्योंकि उसमें कुछ पोल्यूटन मिल गए वो हमारे फेवर में नहीं है मतलब एनी अनफेवरेबल थिंग इन एयर सॉइल वाटर इज कॉल्ड एज सॉइल पोल्यूशन या पोल्यूशन एयर पोल्यूशन या वो पोल्यूशन हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं एक और टर्म है टर्म है जिसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन अब देखिए यूट्रोफिकेशन क्या होता है ठीक है अब यूट्रोफिकेशन क्या है ये डराने को एक टर्म है बट समझ लो बहुत आसान है क्या इज द डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द बॉडीज अकरिंग आइदर नेचुरली और ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज ठीक है अब ये समझो यूट्रोफिकेशन क्या है मान लो आपके पास क्या है यू हैव लाइक दिस इज अ वॉटर बॉडी राइट दिस इज अ वॉटर बॉडी और इसमें क्या है वॉटर फिल्ड इन दिस आप देख रहे हो यहां पे पानी भरा हुआ है ठीक है अगर नेचुरल है अभी अभी इसमें क्या कोई पॉल्यूटेड नहीं है तो आप देखोगे कि इसमें क्या होगा इसमें फिशेस रह रही होंगी ठीक है इसमें क्या रह रही होंगी इसमें ठीक है फाइटो होंगे प्लांट्स होंगे फिशेस होंगी एनिमल्स होंगे एक्वेटिक एनिमल्स होंगे ठीक है ये है नॉर्मल ये क्या है ये नॉर्मल वाटर बॉडी ठीक है ये नॉर्मल वाटर बॉडी बट सर रिकॉर्डिंग इट्स नॉट रिकॉर्डिंग you Anshika. सॉरी ठीक है चलो ठीक है नॉर्मल वाटर बॉडीज आप समझ लो नॉर्मल वाटर बॉडीज क्या है आप ये देखो कि क्या कहते हैं कि ये नॉर्मल वाटर बॉडी है जिसमें आप देख रहे हो कि पानी है और आप देख रहे हो नॉर्मल इसमें एक्विटिक एनिमल्स हैं बट अगर हम यूट्रोफिकेशन की बात करें तो देखो क्या हो इन यूट्रोफिकेशन द सिंपली थिंग इज दैट कि आप ये देखो कि अगर ये आपकी क्या है वाटर बॉडी है वही बट आसपास क्या हो रहा है आस पास से कई सारे पोल मिल रहे हैं ठीक है चाहे वो आसपास के एग्रीकल्चरल फील्ड हो तो उससे फर्टिलाइजर्स मिल रहे हैं ठीक है फर्टिलाइजर्स मिल रहे हैं ठीक फिर आप देख रहे हो आसपास से क्या मिल रहे हैं आप ये देखो कि क्या कहते हैं न्यूट्रिय मिल रहे हैं आसपास से बहुत ज्यादा वो कहीं से भी हो सकते हैं न्यूट्रिएंट्स में आप ये समझो कहीं से बहुत ज्यादा नाइट्रोजन आ जाए कहीं पे से बहुत ज्यादा फास्फोरस आ जाए ठीक है ये सब मिल रहा है इसमें कहां से मिल रहा है हो सकता है आसपास कोई इंडस्ट्री हो ठीक है जिसकी वजह से इसके वॉटर में आप देख रहे हो द वॉटर विच वॉज अर्लियर ठीक है वॉटर विच वॉज अर्लियर नाउ लोडेड विथ आप देख रहे हो लोड कर दिया गया इसको किससे मिनरल्स की वजह से ठीक है मिनरल्स जब इसमें भर जाएंगे तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि अब ये समझो कि भाई इन मिनरल्स को इन मिनरल्स की वजह से क्या होगा इसमें खूब ज्यादा एलगीज आ जाएंगी क्या हो जाएगा एलगीज ठीक है एलगीज़ फॉर्मेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं ठीक है आप लो कभी अगर आपने कोई भी लेक देखा हो जो ऐसा छोटा सा हो और एकदम से ग्रीन हो जाए एकदम ग्रीनिश लेयर आ जाए उसके ऊपर ठीक है अगर कभी कभी देखा है सो आपने यस सर है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग एल्गम एल्गल बूम ठीक है मतलब इसमें एलगे का बूम आ गया है ठीक है हाँ काई जिसको बोलते हैं बट ठीक है उसी को एलगे बोलते हैं काई सेल के राइट जब एकदम पूरा ऊपर तक भर जाए ठीक है तो उसको देखोगे वो क्या है वो एक तरीके से क्या करेगा वो आपको नीचे के जो एनिमल्स हैं उनको क्या नहीं देगा ना ही सनलाइट देगा ठीक है ना ही सनलाइट देगा ना ही ऑक्सीजन देगा जिसकी वजह से क्या होगा जो नीचे के एनिमल्स हैं ठीक है वीड्स आर अ फॉर्म ऑफ एलगे ओके ओके सर वीड्स आर अ फॉर्म अच्छा पूछ रहे हो कि बता रहे हो वीड्स ठीक है कि अब समझो कि ये क्या करेगा नीचे वाले एनिमल्स को या फिशेस को क्या करेगा अच्छा पूछ रहे हो नहीं नहीं वीड्स को एलगे नहीं बोलेंगे समथिंग समथिंग एल्स एल्स ठीक ठीक है है अब ये समझो कि ये क्या करेगा नीचे वाले एनिमल्स को क्या नहीं करने देगा ऑक्सीजन नहीं लेने देगा ठीक है प्लस आप देखोगे कि जो एनिमल्स हैं जो नीचे प्लांट्स होंगे वो क्या नहीं कर पाएंगे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा इन सब की डेथ हो जाएगी ठीक है तो इसकी वजह से क्यों हो गई क्योंकि इन सबको क्या चाहिए था ऑक्सीजन चाहिए था ऑक्सीजन जो कि नहीं मिला तो यही तो है यूट्रिफिकेशन यूट्रिफिकेशन में क्या लिखा है इज अ डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन वही तो किया ना क्यों क्योंकि भाई यहां पे क्या हो गया एल्गल ब्लूम हो गया तो ऑक्सीजन की कमी हो गई समझ गए तो इससे क्या हो गया आपका डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया ठीक है जिसकी वजह से आप देख रहे हो या तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होगा या फिर नेचुरल भी हो सकता है नेचुरल मतलब क्या हो गया मान लो कुछ आसपास कोई वर्ल्ड हो गया या कोई ऐसा सोर्स है नेचुरली जहां से आप देख रहे हो कई सारे मिनरल्स निकल रहे हैं या रॉक है जिसका मिनरल उस वाटर बॉडी में मिल रहा है ठीक है तो उससे क्या होगा वहां पे एल्गल ब्लूम होगा और वो क्या करेगा नीचे के साइड ऑक्सीजन नहीं जाने देगा ना ही आपकी सनलाइट जाने देगा क्योंकि ऑक्सीजन क्यों नहीं जाएगा क्योंकि सनलाइट नहीं जाएगी तो फोटो नहीं होगी फोटो नहीं होगी तो वहां पर ऑक्सीजन भी नहीं होगी और जिसकी वजह से क्या होगा वो पूरा वाटर बॉडी डेड हो जाएगा समझ गए यूट्रोफिकेशन आया चारों लोगों को जल्दी बताओ यस सर क्लियर ऑल क्लियर

टे अगर कहीं पे आपने कर दिया heap, कहीं पे आपने भर दिया पूरा एक तरीके से तो क्या करेगा उसमें जर्म्स होंगे आपको पता वहां पे फ्लाइज बैठेंगे वहां से फ्लाइज बैठ के क्या आएंगे आपके घर आएंगे आपके खाने पे बैठेंगे आपको बीमार करेंगे ठीक है तो उसको क्या बोलेंगे ये एक प्रॉब्लम है हेल्थ के ऊपर ठीक है जैसे कि एक और एक हार्मफुल सब्सटेंस कौन सा है लेड लेड क्या होता है लेड कभी, कभी क्या होता है खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है ठीक है किसी को अगर एग्जाम्पल पता हो तो बताना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने एक बार लेड का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से आपको वो खाना बहुत पसंद आने लगा था ठीक है अगर पता हो तो बताना ठीक है बाकी क्या है लेट क्या करता है चाइल्ड के ब्रेन के ऊपर भी बहुत इफेक्ट करता है ठीक है फिर आता है इफेक्ट ऑन टेस्ट टेस्ट्रियल लाइफ मतलब कि कैसे जो लोग धरती पर रह रहे हैं टेस्ट लाइफ का मतलब सिंपल ये है जो अर्थ पे लोग रह रहे हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है किसकी वजह से इस वेस्ट की वजह से पहली बात क्या है इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स अक्यूमिलेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट जिससे क्या होगा आप देखोगे चारों तरफ क्या होगा फॉल स्मेल होगी अट्रैक्ट इंसेक्ट्स होंगे ठीक है इंसेक्ट्स आएंगे फिर और उससे क्या होगा डिजीजेस फैलेंगी अब इफेक्ट्स ऑन प्लांट प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है किसका इस पोल्यूशन का पहली चीज क्या है आप देखते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ इंजरीज आप देखोगे कि लीफ जो होती है कि कई सारे जो पोल्यूशन है उसकी वजह से लीफ क्या होती है खराब हो जाती है आप देखते हो कई क्रॉप ऐसी होती है क्रॉप पूरी बढ़िया प्लांट है बट उसके जो लीव है वो येलो कलर के होने शुरू हो गए क्या देखोगे कि लीव पूरी लीव पूरी अच्छी है बट देख रहे हो बीच का ऐसा क्या है येलोविश हो गया तो ये क्यों हो रहा है

हाँ 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 एनहांस करने के लिए को एक प्रोडक्ट था जिसका इस्तेमाल किया गया था बाद में ए, हम लोग अभी भी यूज करते हैं उसमें यूज किया गया था उसको ठीक है चलो अब ये बताओ इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स एंड बर्ड्स अब इससे क्या होता है पोल्यूशन का इफेक्ट ऑन एनिमल्स एंड बर्ड्स क्या होता है अब ये समझो ठीक है स्कैवेंजर्स और स्ट्रे एनिमल्स जो होते हैं जैसे आप देख रहे हो कुत्ते क्या होते हैं इन कूड़ों के ढेर पे क्या करते हैं खाना ढूंढने शुरू कर देते हैं उससे क्या होगा अब वो कुछ भी खाएंगे तो वो आगे चलिए क्या करेगा हम ही को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ठीक है क्यों क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे चारों तरफ ही ठीक तो आप देखोगे जिस तरीके से आप समझो कि आ, पिग या स्वाइन खाने से आप देखते हो कुछ लोग स्वाइन खा लेते तो उससे स्वाइन फ्लू हो जाना हो जाता है ठीक है सुअर ठीक है तो आप ये समझो कि अगर इन एनिमल्स के आसपास आप हो तो इनसे होने वाली डिजीजे भी आपको हो जाती है ठीक है अब एक्विटिक इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ वेस्ट एक्शन कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू द एक्टिक लाइफ आपको पता है ठीक है फ्रेश वाटर हो चाहे मरीन वाटर हो सबके परफेक्ट पड़ेगा ठीक कैसे आप देखो इसमें क्या होगा अगर आपने जैसे मान लीजिए आपके पास वेस्ट आपका वही आप यही समझ लो कि जैसे ये है अगर ये एक्विटिक लाइफ है आसपास से क्या होगा पोल्यूटेंट इस पानी में मिलेगा तो कॉमन सेंस से एकविटिक लाइफ के ऊपर बहुत ही गलत इसर, असर पड़ेगा ठीक है तो ये क्या होगा ये आपके एक्विटिक लाइफ के ऊपर भी बुरा असर डालता है ठीक है आप समझ लो फिर आता है बायोमैग्निफिकेशन बायोमैग्निफिकेशन एक अलग टर्म है इसका मतलब समझ लो फिर हम समझाते हैं इसमें इसमें क्या क्या है। है। है? है? देखो। है? है अब की बात हो हो। रही समझ, समझ रहे होता concentration बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? देखो. Food chain आपको पता है. Food chain पता है कि एक चीज कुछ भी हो उसको कोई और खाएगा उसको कोई और खाएगा उसको कोई और खाएगा और उसको कोई और खाएगा ये आपकी फूड चेन इतना आपको पता है ठीक है तो है ना अब मान लो अब मान लो ऐसा कुछ हुआ कि इस इस वाले जो ऑर्गेनिज्म है इसमें कुछ ऐसा था जिसको बोलते हैं एक केमिकल बोलते हैं मान लीजिए लेड लेड था लेड था थोड़ा सा ठीक है अब इसने क्या किया इसने इस लेड को जब इस एनिमल ने खाया तो ये लेड इसके बॉडी में रह गया ठीक है फिर इस एनिमल ने इसको खाया इसमें आ गया वही लेड फिर इधर इस फूड चेन के बाद आखिरी तक आते आते क्या होगा यहां तक फूड चेन आते आते ये लेड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी यहां पे भी लेड पहुंच गया आप समझ रहे हो कि नहीं कि इसका मतलब क्या ये एक दिन का है रोज अगर यही एनिमल खाने शुरू हो गया यही फूड चेन शुरू हो गई तो एक दिन आगे फूड चेन की वजह से यहाँ पे क्या होगा लेड का मैग्निफिकेशन कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा तो यही तो है आपका यही तो है आपका बायोमैग्निफिकेशन की आप देख रहे हो फूड चेन की वजह से एक टॉक्सिक सब्सटेंस का कंसनट्रेशन बढ़ रहा है अब समझ में आया बायोमैग्निफिकेशन यस सर ओके अब बात करते हैं नीड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट आपको पता है कि भाई क्यों वेस्ट मैनेजमेंट चाहिए हमको ठीक है तो पहली चीज क्या आपको पता है भाई आपको डिजीज बचना है वेस्ट ऑन लैंड वेरियस स्प्रेड ऑन द एपिडेमिक स्केल ड्यू टू द वेस्ट स्केशन ऑन लैंड एंड वाटर बॉडीज ठीक है वेक्टर्स लाइक फ्लाइज मॉस्किटो ये ये सब क्या करती हैं यही सब तो हैं जो आपका क्या करेंगे

बिल्डिंग अप ऑफ सिटीज अच्छा ओके यजूश ऑर्गेनाइजेशन क्या होता सर रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में शिफ्ट होने को कहते हैं

इन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन द टाउन एंड सिटीज ओके ओके ठीक है हाँ वो भी सही है का सिंपल मतलब क्या है आप समझ रहे सिटीज में क्या हो रहा है पॉपुलेशन बढ़ रही है सिटीज ग्रो कर रहे हैं उसकी अर्बनाइजेशन बोलते हैं अर्बन एरियाज ठीक है तो आप समझ रहे हो कि नहीं धीरे धीरे क्या हो रहा है इंडस्ट्रियालाइजेशन और अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो जब बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा एक चीज बहुत बढ़ेगी वो है सीवेज ठीक है क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं तो उसके बाद डिकम्पोज नहीं हो सकता एंड बिसाइड सीवेज पैथोजेनिक एजेंट और वो होते हैं आपको पता है जो कि जर्म्स कैरी करते हैं जो आपको बहुत बीमार कर सकते हैं दूसरा क्या है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वेस्ट हैज अ टॉक्सिक एजेंट इंक्लूडिंग मेटल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सिंथेटिक ऑर्गेनिक तो दो वेस्ट दो बहुत इंपॉर्टेंट है कब आपके शहरों में एक है सीवेज वेस्ट और दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट क्यों क्योंकि यही दोनों है जो सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन में आप देखोगे क्योंकि लोग रह रहे हैं तो सीवेज वेस्ट होगा और इंडस्ट्रीज बहुत हैं अर्बन में तो वेस्ट होगा ठीक है अब बात करते ग्रीन हाउस इफेक्ट देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट में आप ये समझो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत जरूरी है बट जरूरी है बट इतना ज्यादा बुरा असर हो गया उसका कि अब ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई ठीक है ग्रीन हाउस क्यों जरूरी है देखो अगर हम इसको सिंपल समझे देखो ये अर्थ है ये मान लो ये अर्थ है ठीक है आप अब देखो आपको पता है कि सन एक साइड है दूसरी साइड क्या होगा आपको पता रात में अगर सन ना हो अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज ना हो तो रात में दूसरे साइड जहां पर रात हो रही है रात का टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा हर जगह ठीक है तो वो ना हो तो हमारे चारों तरफ एटमोस्फेयर में क्या है ग्रीन हाउस गैसेज है ठीक है ग्रीन हाउस गैसेज हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो ठीक है या और सारी गैसेज हो ठीक ये क्या करती हैं ये सन की जो रेज होती है जो रा, जो दिन में पड़ती है और रात में जो अर्थ उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है ठीक है तो ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है ये ग्रीन हाउस गैसेस उसको वापस अर्थ की तरफ भेज देती है ठीक है ये अर्थ की तरफ जब वापस भेजती है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर क्या रहता है अर्थ का टेम्परेचर वार्म रहता है यह अर्थ वार्म रहती है ये समझ लीजिए ये हो गया आपका सिंपल ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट का सिंपल मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि आप ग्रीन हाउस गैसेस की मदद से आप देख रहे हो कि अर्थ की जो हीट है जो रात में हम लोग क्या करते हैं टेरेस्ट्रियल जिसको बोलते हैं रेडिएशन जो बाहर निकल रही होती है ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है वापस अर्थ को भेज देती है जिसकी वजह जिस से अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है बढ़ता रहता है ये सिंपल ग्रीन हाउस इफेक्ट अब इसका ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो गया हमने क्या किया है ये सीओ हो गए सीओ हो गया ठीक है या कुछ गैसेस हो गई जैसे सी एफ सीज हो गई क्लोरोबन हो गई हमने इनका इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया इतना ज्यादा वेस्ट कर दिया इतना पोल्यूशन कर दिया हमने कि इन्होंने क्या कर दिया बहुत ही थिक लेयर बना दी थिक लेयर बनाने की वजह से क्या हो गया अब जो है ये जो सन रेज जो आती है ठीक है आने के बाद जा ही नहीं पाती मतलब कि बिल्कुल ही नहीं जा पाती पहले क्या होता था कुछ जाती थी कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी अब क्या है पूरी की पूरी यहीं पे अर्थ के अंदर ही टहल रही है जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है बढ़ रहा है और इसी को बोलते हैं द एवरेज राइज इन द मीन टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग जिसमें एवरेज राइज हो रहा है किसका अर्थ के मीन टेम्परेचर का समझ गए समझ आया ग्लोबल वार्मिंग ओके कूल ठीक है दिस ग्रीन हाउस गैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी मीथिन हो नाइट्रोजन नाड्रो, ऑक्साइड होगी क्लोरो फ्लोरो कार्बन होगी और वाटर वेपर हो गई अब आपको लग रहा है वाटर वेपर वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस में आता ठीक है वो क्या करता है अर्थ अगर पानी है पानी के ऊपर हम क्या करते हैं हीट फर्ट करें वो क्या करेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो वही काम वो भी है वाटर वेपर भी वही काम कर रहा है ठीक है उससे भी हीट बढ़ती है फिर आते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर अब ओजोन लेयर आपको पता है ओजोन लेयर पता है ना कि इसको क्या है चलो यस सर वो सर वो एक लेयर है अर्थ के अपर मोस्ट सरफेस में जो हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है ठीक है ओके कूल सही ठीक है जैसे आपका ये क्या है ये अर्थ है आपको पता है कि इसके स्ट्रेटोस्फेयर के आसपास एक लेयर है ठीक है जो कौन है ओजोन की है। वो क्या करती है वो ये करती है कि यूवी रेस जो सन की तरफ से आ रही है उनको क्या करती है रोकती है ठीक है ताकि हमको क्या हो हम लोग हम लोग लो, स्किन कैंसर से बच सकें तो ये है आपका क्या ओजोन बट क्या है कि पोल्यूशन की वजह से आपकी ओजोन लेयर भी क्या हो रही है आपकी ओजोन लेयर भी खत्म हो रही है खराब हो रही है उसमें ओजोन होल बन रहा है ठीक है वेन द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कम इन कॉन्टेक्ट विद ओजोन देअर केमिकल रिएक्शन डिस्ट्रॉयज द ऑक्ोन लेयर जब भी आपके देख रहे हो कि भाई जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिलेंगे ठीक है एनेक्सो जिसको बोलते हैं ना ये जब मिलेंगे आपके ओजोन के साथ तो क्या करते हैं ये ओजोन लेअर को क्रिएट क्या करते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं फिर आपके ये जो एरोप्लेन है ठीक है जिनको हम बोलते हैं ना एरोप्लेन ये हम लोग को लगता है बहुत अच्छी चीज है ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है बट ये जो सोनिक एरोप्लेन जो आपके जेट फाइटर्स होते हैं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्यों क्योंकि तो ये स्ट्रटोसर में करते हैं और इनसे बहुत ज्यादा नाइट्रोजन गैस निकलती है जब भी ये उड़ते हैं ठीक है थीके? तो ये क्या कर रहे हैं ये भी एक तरीके से हमारी जोन लेयर को इफेक्ट कर रहे हैं फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सी एफ सी जिनको हम क्लोरो बोलते हैं ये हमारे कहां से निकलते हैं रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं एयर कंडीशनर से निकलते हैं ठीक है तो ये क्या है ये देख रहे हो एयरसोल पेंट से निकल रहे हैं प्लास्टिक फोम से निकल रहे हैं ये भी क्या करते हैं क्योंकि इसमें क्या है क्लोरो ये जो क्लोरो है क्लोरीन जो है वो क्या करती है वो बहुत अफेक्ट करती है किसको हमारे ओजोन को इस वजह से ये तीन रीजन हैं जो हमारे ओजोन लेयर को इफेक्ट कर रहे हैं ये समझ में आया सबको ये सर, सर।, सर एयरसोल पेंट क्या होते हैं सर

ठीक है तो ओजोन लेयर डिप्लीटिंग फास्ट एट द पोल्स ठीक है फास्ट एट द पोल्स की बात क्या है वहां पे आप देखो स्ट्रेटोसफेयर की हाइट कम है है ना एक ये रीजन है स्टेटोसफेयर की हाइट भी वहां पे कम है तो वहां क्या है कि वो जल्दी वहां पे पहुंच जाता है ठीक है पोल्यूशन एक वो रीजन है आपका स्टेटोसफेयर की हाइट बट ये आपके में कहा आता है ये क्वेश्चन आता है आपके में अंशिका ये आपके सिलेबस का पार्ट तो है ठीक है अब आता है एसिड रेन सर इस बार प्री बोर्ड में था बट चलिए ठीक है कोई बात नहीं एक बार ये हो जाए फिर आपको बताते हैं इसका भी आंसर ठीक है पहले ये समझो एसिड रेन क्या होता है एसिड रेन क्या है एसिड रेन मींस द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एसिड एसिड्स इन द रेन वाटर ये कब होता है ये कब होता, होता है जब आप कोल जला रहे हो ठीक है आप जब वुड जला रहे हो पेट्रोल जला रहे हो तो इसमें से कुछ कंपाउंड ऐसे जैसे सल्फर और नाइट्रोजन ये जब बहुत ज्यादा क्या होते हैं निकलते हैं तो इससे क्या होता है ये जब एटमोसफेयर में जाकर रिएक्ट करते हैं तो ये बनते हैं कौन से ये बनते हैं आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो कि क्या क्रिएट करते हैं जो कि सलीबल है वाटर में और ये आपके रेन वाटर के साथ मिलके क्या करते है? कर हैं एसीड्रेन करवाते हैं इसलिए घर में बोला जाता है कि जब पहली बारिश हो तो उसमें मत जाना क्योंकि दाने पड़ जाते हैं उसका रीजन यही है सिंपल ये रीजन है क्यों क्योंकि वो एसी ड्रेन है ठीक क्या होता है कि जितने भी पोल्यूटेंट होते हैं वो क्या करते हैं वाटर आपको पता है वाटर क्या है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो क्या करता है सबको अपने साथ मिला लेता है और फिर वो जब आपके ऊपर गिरेगा तो आपको क्या करेगा वो एसिडेंट की तरह है. वो एसिडेंट क्या करता है वो देखिए भी आएगा इफेक्ट ऑफ एसिडेंट क्या है एसिडेंट इंक्रीज द एसिडिटी इन द सॉइल एंड डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट एंड क्रॉप जहां पर गिरेगा वहां पर क्या करेगा वो फॉरेस्ट और क्रॉप सबको खराब कर देगा ठीक है अब क्या है इट पॉजेज अस टू द्यूमन हेल्थ सिंस कंटेमिनेट एयर एंड वाटर आपको पता है क्या करेगा ये एयर और वाटर दोनों को क्या करेगा कंटेमिनेट कर देगा खराब कर देता है ठीक है एसिड रेन इनफैक्ट एसिड रेन से हमारी कई सारी मोन्यूमेंट्स भी क्या हो रही है मोन्यूमेंट्स भी खराब हो रही है कोई एक एग्जाम्पल पता है आप लोगों को ताजमहल हाँ ताजमहल का कलर क्या हो रहा है अब खराब हो रहा है क्यों कैसा हो रहा है ब्लू सही येलो येलो अच्छा ओके okay, येलो हाँ सही आंसर ठीक है क्यों हो रहा है ये क्योंकि आपको पता है एसी ड्रेन की वजह से ठीक है चल अब आता है मेथड ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट अब ये क्वेश्चन हो गया कि भाई हम लोग ने पढ़ लिया कितने टाइप के वेस्ट होते हैं हमने ये पढ़ लिया कि भाई वेस्ट को कैसे क्या मतलब कि कितने टाइप्स के हो गए और क्यों हो रहे हैं उनका इफेक्ट क्या पड़ रहा है आप देख रहे हैं हम लोग कैसे उसको खत्म करेंगे तो पहला पहला तरीका है जिसको बोलते सेग्रीगेशन जो आजकल आप लोग देख रहे हो क्या आजकल आप लोग देख रहे हो कि वेस्ट क्या करते हैं हम लोग कई सारे अलग अलग कलर के बॉक्सेस बना देते हैं ठीक है तो क्या है डिवाइडिंग द वेस्ट डिफरेंट कैटेगरीज लाइक ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट फिर जिसको हम बोलते हैं क्या बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल हाँ कई सारे ब्लू येलो और ग्रीन कलर के बॉक्स में करते हैं उसको सेग्रीगेशन बोलते हैं ठीक है अब आता है डंपिंग डंपिंग का सिंपल मतलब क्या है आप क्या कर रहे हो कहीं पे जाके फेंका डाल आ रहे हो उसको डंपिंग बोलते हैं ठीक है आप देख रहे हो इसमें क्या होता है एक होता है ओपन डंपिंग जिसको बोलते हैं हम लोग क्या आप कहीं पे भी डाल आते हो ठीक है गए आपने खाली जगह देखी और आपने क्या किया डाल दिया वेस्ट तो वो गया आपका ओपन डंपिंग एक और आता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या सैनिटरी लैंडफिल इसमें क्या करते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं जैसे वेस्ट डाला हम लोग ने वेस्ट के ऊपर फिर हम एक लेयर बिछा देते हैं डाल देते हैं किसकी मिट्टी की या किसी और की लेयर ताकि क्या हो उसमें से उसमें कोई इंसेक्ट या कोई भी रोडेंट ना रह पाए इससे क्या होता है ये एडवांटेज होता है मतलब ये अच्छी चीजें हैं

कार्बन अमोनिया मीथेन, आ, अमोनिया मीथेन मीथेन ओके और किसने सोहा सोहा आप बताइए कौन सा मैम सर अमोनिया ओके, अमोनिया ओके सबसे ज्यादा जो निकलती है वो है मीथेन ठीक है और मीथेन के साथ क्या है और भी गैसेज निकलती है खाली मिथेनी भी निकलती है, और भी गैसेज निकलती है ठीक है बट ये क्या है ये क्या करता है इजिली क्या करता है फायर कैच कर लेता है तो आप देखोगे अक्सर लैंड फिल्स के पास ब्लास्ट हो जाता है तो ये भी जब आप देख रहे हो कि उसको आपने कवर कर दिया मिट्टी से तो आप देख रहे हो कोई भी

ठीक है वैसे ही है ये अब एडवांटेज ऑफ है इट इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स जब आप उसको क्या करोगे सॉइल में डालोगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाएगा ठीक है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द सॉल कैसे बढ़ाता है किसी को पता है कि कैसे क्या कहते हैं कॉम्पोस्ट या मैन्योर जो है वॉटर की रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाता है किसी को पता विश्वजीत कि सर उसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे तो पानी नीचे नहीं जाने देगा न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे अच्छा ओके और और किसी को जब सर उसमें सॉल्ट और मिनरल्स ज्यादा होंगे तो सर वो वाटर खुद ब खुद अपने अंदर रिटेन रखेगी सोइल ओके ठीक है हां ये कह सकते हैं सोइल के अंदर लो कंसंट्रेशन होगी ना वाटर की तो वो लो से हाँ... क्या हो गया और 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 मतलब सर सॉइल में लो कंसंट्रेशन होगी वाटर की तो सर वो वाटर हाई से लो भागेगा ना तो सॉइल के अंदर रिटेनिटी ज्यादा बढ़ जाएगी वाटर अपने अंदर कैप्चर करने की जब उसके अंदर मिनरल्स और सॉल्ट ज्यादा होंगे अच्छा हाँ ठीक है आप कह सकते हो एक ये समझ लीजिए ओके अंशिका आप समझ लो इसका क्वेश्चन ये था कि कैसे सॉइल ये आप मेन्योर जब डालते हो तो सॉइल की रिटेंशन प्रॉपर्टी बढ़ जाती है ठीक है रिटेंशन प्रॉपर्टी सिंपल सिंपली बढ़ जाती है क्योंकि आपने उसमें क्या कर दिया मिक्स कर दिया और एक याद रखिए जैसे आपने कभी वो देखा ऐश जैसे कोयला जल जाता है तो ऐश होता है आपने उसमें पानी डाला तो क्या करता है वो पानी को अपने साथ रखता है थोड़ी देर ठीक है थोड़ी देर क्या रखे रहता है वो अपने साथ तो क्या उसको बोलते हैं वाटर रिटेंटिव प्रॉपर्टी तो उसी तरीके से जब आप इसमें सॉइल न्यूट्री आप मिला दोगे कॉम्पोस्ट को तो क्या करेगा वाटर को अपने पास रख देगा क्योंकि उसके पास एरिया बढ़ जाता है ठीक वो क्या करता है अपने साथ रखे रहता है उस पानी को तो इससे क्या होता है कंपोस्टिंग की मदद से आप क्या कर रहे हो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हो

ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो आपके अक्सर ये स्मॉक करवाते हैं ठीक है तो वो वो नहीं करवाएंगे क्योंकि वो क्या हो जाते हैं कंपोज बन जाते हैं अब एडवांटेज में तीन एडवांटेज याद करना बस क्योंकि आपको पता है कि, कि तीन से ज्यादा क्वेश्चन से इससे बड़ा क्वेश्चन आता भी नहीं ठीक है तीन नंबर का फिर आता है आपका इंसिनरेशन इंसिनरेशन क्या होता है ये वो प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो इंसिनरेशन में क्या करते हो जैसे आपका बहुत बड़ा वेस्ट है ठीक है मान लो <coughs> उस वेस्ट को क्या करते हो आप कि हीट की, की मदद से आप जला के क्या करते हो ऑक्सीडेशन की मदद से आप क्या कर रहे हो उसका साइज कम कर रहे हो दैट इज कॉल्ड क्या दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन ऑफ अ प्राइमरी ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट थर्मल एनर्जी एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सिंपल क्या आप वेस्ट को क्या कर रहे हो ऐसा जला रहे हो कि उसमें से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकल रहा है बाकी वेस्ट आपका थोड़ा सा बचा तो इससे इंसिनरेशन एक ये क्या कर सकते हो आप वेस्ट जो आपका बहुत ज्यादा है आप उसको बहुत कम कर सकते हो और फिर उसको आप क्या कर सकते हो आप लैंडफिल में डाल सकते हो तो इस तरीके से क्या होता है, है? है, है। सब हाँ? इंसिनरेशन तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी बट फिर ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प करेगी ठीक है ठीक है ऐसे तो फिर तुम ऑक्सीजन ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो तो तुम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हो yes, कर रहे हो ना ये yes, सर तो फिर अब क्या किया जाए तब तो, तो तुम्हें रहने का हक नहीं बनता है भाई है ना तो अब ये समझो कि भाई या तो आप पूरा पोल्यूशन देख लो या फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड खाली देख लो है ना तो अगर आप लार्जर एरिया में देखोगे तो आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हम किसी तरह उसको मैनेज कर लेंगे क्योंकि उसके लिए हम क्या करेंगे और पेड़ लगा देंगे वो पेड़ क्या करेंगे उस कार्बन डाइऑक्साइड को करके फोटोसिंथेसिस से हमको ऑक्सीजन दे देंगे बट बाकी जो पोल्यूशन वो तो कम हो जाएगा समझ गए आप यस सर सर इंसिनरेशन एक बार डेफिनेशन से समझा दीजिए हाँ ओके इंसिनरेशन सिंपल आप ये समझो इंसिनरेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर रहे हो ऑक्सीडेशन मतलब आप हीट आग लगा के क्या कर रहे हो आप अपने वेस्ट को कम कर रहे हो ठीक है बस ये है इंसिनरेशन इसमें क्या होता है कि मान लो आपके पास वेस्ट है जो कि कई 1000 किलोस का है बट अगर आप उसको जलाने के बाद आपके पास वेस्ट बन रहा है सिर्फ 1 किलो 10 किलो ऐसा कुछ तो आप ये क्या कर रहे हो आप वेस्ट को साइज कम कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ हीट इसको बोलते हैं इंसिनरेशन ठीक ओके ओके सर ठीक है तो और आता है रिड्यूस रियूज ऑफ वेस्ट ये तो भाई बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो रिड्यूस क्या करना है आपको रिड्यूस करना है किस चीज को वेस्ट को वेस्ट को कैसे रिड्यूस करोगे सिंपल चीज क्या है आप क्या करो जहां से आपके पास वेस्ट आ रहा है जिसकी वजह जिस से आपका वेस्ट बन रहा है आप उसी को कम कर दो जैसे आपको पता है प्लास्टिक वेस्ट बन रहा है तो आप क्या करो प्लास्टिक का इस्तेमाल ही कम कर दो धीरे धीरे ठीक है आपको पता है एल्यूमिनियम फॉइल क्या कर रही है आपको आ, आगे चल के वेस्ट बननी है तो आप ऐसा सिस्टम इस्तेमाल करो ऐसा खाना इस्तेमाल करो या ऐसा टिफिन इस्तेमाल करो जिसमें फॉइल की जरूरत ही ना पड़े ठीक है फिर आप देख रहे हो कि आपको पता है कि ये ये चीज आगे चल के क्या होने वाली है वेस्ट होने वाली है तो आप उसको पहले रिड्यूस कर दो पहले तो रिड्यूस एट सोर्स की कोशिश किया करो ठीक है और फिर आता है रीयूज आप कितनी सारी चीजों को रीयूज कर सकते हो ठीक है जैसे आप देख रहे हो कि

यस ठीक है प्लास्टिक रोड क्या होता है मतलब प्लास्टिक जो वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं बहुत ज्यादा मेल्ट करते हैं फिर उसको हम अपने जो उसमें डामर होता है रोड पे उसमें उसके साथ मिक्स करके रोड में यूज करते हैं तो उससे क्या है, होता है कोई तमिलनाडु में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है ये ट्रिक ना टेक्निक असल में तमिल आ, में तमिलनाडु कोई साइंटिस्ट ने बट इसका यूज हर जगह हो रहा है अब इसका हर जगह बहुत बहुत जगह इस्तेमाल हो रहा है इससे क्या होता है दो चीज दो तीन चीजें होती हैं पहली चीज क्या है इसका फायदा क्या है फायदा यह है आपका प्लास्टिक वेस्ट खत्म हो रहा है दूसरा आपका क्या है आपकी जो रोड वो बहुत स्ट्रांग हो रही है ठीक है है तो ये है आपका यूज़ का, काफी दिनों तक चलेंगी अभी की जो वो पानी आया और पानी से साथ चली गई, अपने गए तो ये क्या करो आप और रियूज और रिसाइकिल करो अब ये बताओ इसके बाद इस चैप्टर में कोई चीज ऐसी बची जो आपको नहीं आ रही हो क्योंकि दो चैप्टर मैंने खत्म कर दिए पूरे पूरे कुछ ऐसा है जो नहीं आ रहा समझ में सुहा विश्वजीत अंशिका अरविंद अरविंद राइट ओके ऑल क्लियर यस सर सर प्लास्टिक रोड वही बात होगी ना प्लास्टिक रोड आर एंड हार्मफुल बिल्कुल हार्मफुल है उससे क्या होगा जब लीचिंग होगी ठीक है जब पानी हम लोग ने लीचिंग पड़ा था ना लेटराइट सॉइल में तो लीचिंग होती है तो क्या होता है उसके उस पानी के साथ उसके केमिकल्स भी क्या होंगे नीचे वाले वाटर टेबल में मिलेंगे बट वहां वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बट हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं

वो इलेक्ट्रिक वेस्ट बनेंगी तब क्या कर फिर कुछ अगर किसी को हम क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी हर चीज का एकदम पॉजिटिव नहीं हो सकता समझ गए कि नहीं वो भी तो आपकी जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भी तो आपको क्या करेंगी वेस्ट बनाएंगी चलो ठीक है अब अगला चैप्टर कौन सा बचा है हम लोग अगला चैप्टर एग्रीकल्चर एक ही बार में पूरा खत्म कर देंगे ठीक है आई थिंक मैराथन क्लास है मंडे को उस दिन हम लोग क्या करेंगे एग्रीकल्चर पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे चार चैप्टर्स हैं आई थिंक उस पूरे को ठीक है ओके सर ओके चलो ठीक है बाय बाय थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर ओके ओके चलो बाय बाय